आज के लंच में कुछ हटकर बनाने जा रही हूँ। ये रेसिपी बहुत ही खास है, रेसिपी को कुछ अलग तरीके से बनाऊंगी। इसमें अलग क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। आज बनाने जा रही हूँ दम आलू। चलिए देर ना करते हुए शुरू करती हूँ। पैन को गैस में रख दिया है, कुछ बेसिक मसाले मैं यहाँ पे इनको भूनूंगी। ये मैंने जीरा डाला है और ये सौंफ, एक तेजपात, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा और दो हरी इलायची और चार लौंग। इनको हमें हल्का सा भूनना है, इनका कलर चेंज नहीं होने देंगे, इसको हल्का सा भूनेंगे। मसाले हमारे भुन गए हैं, चलिए इनको मैं निकाल लेती हूँ। दम आलू बनाने के लिए मैंने छोटे छोटे आलू लिए हैं और इनको मैंने छील कर पानी में भिगो कर रखा है, जिससे ये काले ना हो जाएं। आप भी जब बनाएं तो छोटे ही आलू का यूज़ करें। आलूओं को हल्का सा उबालूंगी। इन आलूओं को प्रेशर कुकर में नहीं उबालना है, नहीं तो वो ज़्यादा गल जाएंगे। और इस खुले पानी में भी मैं इन्हें बहुत थोड़ा ही उबालूंगी, सिर्फ एक उबाल दूंगी। लिड लगा देती हूँ और 5 से 7 मिनट इनको उबलने दूंगी। ये कश्मीरी मिर्च है, इसको मैंने आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भिगोकर रखा था। ये मैंने कुछ काजू लिए हैं, इनको भी मैंने आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो कर रखा था। ये देखिए आलू हमारे हाफ कुक्ड हो गए हैं। आलू को हमें इतना ही उबालना है, इससे ज़्यादा नहीं उबालना है। चलिए अब आलूओं को पानी से निकाल लेती हूँ। अब बारी आती है आलूओं को फ्राई करने की। तेल हमारा गर्म हो गया है, इन आलूओं को मैं सावधानी से तेल में डालती हूँ। इन आलूओं को डार्क गोल्डन होने तक भूनना है, लगातार इनको चलाते रहेंगे और इन आलूओं को चारों तरफ से हमें लाल करना है। आलू गोल्डन हो गए हैं, चलिए इनको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अगला स्टेप, मैं इन आलूओं को फोक की हेल्प से इसमें छेद करूंगी, इस तरीके से, जिससे हमारा ग्रेवी का मसाला इन आलूओं में अंदर तक चला जाए। कश्मीरी मिर्च और काजू को एक साथ जार में डालती हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर फाइन पेस्ट बना लूँगी। काजू और कश्मीरी लाल मिर्च का फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। एक ताज़ा टमाटर लेकर इसे रफली काट लूँगी। गैस पर पैन रख दिया है, अब इसमें मैं थोड़ा सा तेल डालूँगी और इसमें कटे हुए रफली प्याज और टमाटर और हरा धनिया और हरी मिर्च डालूँगी। अब इसमें मैं रफली कटे हुए प्याज डालती हूँ। प्याज को हल्का सा सौते कर लेती हूँ ताकि ये थोड़े से नरम हो जाएं। अब इसमें मैं रफली कटे हुए टमाटर डालूंगी, 5 से 6 लहसुन की कलियां डालूंगी और कुछ ये हरी मिर्च और थोड़े से हरा धनिया के डंठल डालूंगी और इनको सबको अच्छी तरीके से मिला देते हैं और सौते करते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से गलाने के लिए और साथ में डालूंगी थोड़ा सा पानी। अब मैं इसमें लिड लगाती हूँ और 5 मिनट तक मीडियम आंच में पकने देती हूँ।
प्याज टमाटर गल गया है। अब मैं इसे ठंडा करने के लिए रखूंगी। दम आलू अक्सर लोग फीटे हुए दही में मसाले मिलाकर बनाते, लेकिन मैं इसे प्याज लहसुन और टमाटर के पेस्ट के साथ बनाऊंगी, इससे इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। प्याज लहसुन और टमाटर का पेस्ट बनके तैयार है। एक छोटी कटोरी दही लिया है, अब मैं इसको अच्छी तरीके से फेंटूंगी। जो मसाले मैंने भुने थे वो मैंने पीस लिए हैं। अब इस मसाले को मैं दही में डालूंगी। काजू और कश्मीरी लाल मिर्च का जो मैंने पेस्ट बनाया था, अब इसको भी मैं दही में डाल दूंगी। दही में सभी चीज़ें अच्छी तरीके से मिला दिए हैं, जो मैंने मसाला भुना था साथ में कश्मीरी लाल मिर्च और काजू का पेस्ट भी इसमें मैंने मिला दिया है। गैस पर कढ़ाई रख दी है, अब मैं इसमें तेल डालूंगी और तेल को गर्म होने देती हूँ। तेल को हमें धुआं निकलने तक गर्म करना है, इससे सरसों के तेल का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सबसे पहले मैं प्याज लहसुन टमाटर का पेस्ट डालूंगी। मसाला देखिए अच्छे से भुन गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि तेल देखिए मसाले में बाहर आ गया है। इसको और चला देते हैं। इस भुने हुए मसाले से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें मैं दही और मसाला जो मैंने फेंट के रखा है, अब वो इसमें मिला दूंगी और अच्छी तरीके से फटाफट चलाऊंगी, जिससे हमारा दही फटे नहीं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि दही का मसाला डालते समय आपको बहुत जल्दी जल्दी चलाना है और इसको धीमी आंच कर देनी है। आंच को हमेशा दही डालने के बाद धीमा ही रखें, नहीं तो आपका दही मसाले में फट जाएगा। देखिए इस तरीके से जल्दी जल्दी चलाना है, जब तक हमारा मसाला पकने ना लगे इसको बराबर हम चलाते रहेंगे। इस दही के मसाले से भी तेल अलग हो जाना चाहिए। इसको हम बराबर पकाते रहेंगे। अब मसाले में डालूंगी हाथ से रगड़ के थोड़ी सी कसूरी मेथी और साथ में डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च, बस इतनी ही डालूंगी। इन सभी को मिला देते हैं और फाइनली ऐड करूंगी इसमें आलू। इनको मसाले में मिला देते हैं। देखिए कलर कितना अच्छा आया है सब्जी का और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है मसालों से। साथ में डालूंगी थोड़ा सा नमक। अब मैं इसमें लिड लगाती हूँ, इसको 10 मिनट के लिए मैं धीमी आंच में पकने दूंगी। 10 मिनट हो गए हैं, चलिए देख लेती हूँ। सब्जी हमारी बन गई है, दम आलू हमारे बनके तैयार हैं। इन दम आलू की सब्जी का कलर देखिए कितना अच्छा आया है और थोड़ी सी मैं इसमें धनिया मिला देती हूँ, बहुत ज़्यादा धनिया नहीं मिलाऊंगी। चलिए इनको एक बोल में सर्व करते हैं। वैसे तो दम आलू को दम लगाकर ही पकाया जाता है, लेकिन अगर आप दम नहीं लगाते हैं तो इनको धीमी आंच में 10 मिनट के लिए जरूर पकाएं। 10 मिनट धीमी आंच में पकाने से सब्जी का स्वाद और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।